Hello students, how are you? Hope you all are doing well. In revision time, we will start our chapter 24, composition. Okay, so now students, do you know composition? Yes, composition is the way something whole or a mixture is made up. है ना? जैसे कि आपको इसमें पिक्चर के थ्रू आपको ये एक स्टोरी बताई गई है और यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट करके ये एक स्टोरी आपको लिखनी है. आपने ये स्टोरी सुनी होगी ना, बंदर वाली और ये मगरमच्छ, है ना, मंकी एंड क्रोकोडाइल वाली, जो लालची मगरमच्छ रहता है उसकी वाइफ रहती है, ये आपने स्टोरी सुनी होगी. वही स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है. ओके, सो नाउ लुक एट द पिक्चर. दे टेल अ स्टोरी यूजिंग द हेल्पिंग वर्ड्स अ पैरास गिवन. Write two sentences to describe each picture and complete the story. Give your story a title. Okay, story का title क्या है? Monkey and crocodile. Okay, first देखिए A number. Crocodile lack monkey lived jamun tree. अब ये जो कुछ दिए हुए ये words दिए, इनसे हमें two sentences बनाने हैं, है ना. फर्स्ट क्या बनेगा? मंकी लिव्ड इन अ जामुन ट्री. मंकी कहाँ रहता था? जामुन ट्री पर. एंड क्रोकोडाइल लिव्ड इन लेक. क्रोकोडाइल कहाँ रहता था? एक लेक के पास रहता था. नेक्स्ट है मंकी फ्रेंड ईच अदर ऑफर. तो इसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और टू सेंटेंस बनाएंगे मीनिंगफुल. फर्स्ट बनेगा दे मीट ईच अदर. नेक्स्ट है क्रोकोडाइल ऑफर फॉर फ्रेंडशिप टू मंकी. ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्रोकोडाइल जो है वह मंकी को फ्रेंडशिप के लिए ऑफर करता है. नेक्स्ट है सी नंबर वाइफ क्रोकोडाइल हार्ट जामुन एंड ग्रीडी. तो इसका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होगा. बनाएंगे हम कैसे? क्रोकोडाइल वॉज ग्रीडी ऑफ जामुन. जो क्रोकोडाइल था वह किसके लिए लालची था? जामुन के लिए. एंड हर वाइफ वॉज ग्रीडी ऑफ हार्ट. और जो उसकी वाइफ थी वह हार्ट के लिए लालची थी. ओके, नेक्स्ट है डी नंबर ब्रिंग होम मंकी इनवाइटेड लंच स्विमिंग. तो इसका सेंटेंस बनाएंगे हम. फर्स्ट है द क्रोकोडाइल इनवाइटेड द मंकी टू लंच. एंड नेक्स्ट है ही स्विमिंग एंड ब्रिंग होम टू मंकी. ओके, जो क्रोकोडाइल था उसने मंकी को इनवाइट किया था लंच के लिए और जो क्रोकोडाइल था वह स्विमिंग करके मंकी को अपने घर ले गया. नेक्स्ट है राइट सॉक्ड मंकी क्रोकोडाइल एक्सप्लेन हार्ट ऑन ट्री. फर्स्ट इसका बनेगा द मंकी वॉज सॉक्ड व्हेन द क्रोकोडाइल एक्सप्लेन. मंकी शॉक्ड हो गया जब क्रोकोडाइल ने उसे एक्सप्लेन किया कि वह किस लिए उसको घर ले जा रहा है. ओके, ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना. ये ऐसे देखिए, जो क्रोकोडाइल है वह स्विम कर रहा है और मंकी को अपने पीठ पर बैठाया हुआ है, है ना. नेक्स्ट है बट मंकी से माई हार्ट ऑन ट्री सो क्रोकोडाइल रिवर्स राइट टू ट्री. बट जो मंकी रहता है वह कहता है मेरा हार्ट तो ट्री पर है, तो क्रोकोडाइल वैसे ही बैक होता है, रिवर्स होता है और कहाँ आ जाते हैं वे? ट्री के पास आ जाता है मंकी. ओके, नेक्स्ट है पुलिस क्रोकोडाइल बैक टू ट्री एंड क्लाइम. फर्स्ट इसका आएगा पुलिस क्रोकोडाइल बैक टू ट्री. जो पुलिस रहता है, मतलब पुलिस क्रोकोडाइल मीन्स मूर्ख जो क्रोकोडाइल रहता है वह उसे रिटर्न ले आता है क्योंकि मंकी बोल देता है उसे कि उसका हार्ट कहाँ पर है, ट्री पर रखा हुआ, तो वह रिटर्न उसे लेकर आता है. तो मंकी जो है वह वापस ले आता है, क्रोकोडाइल मंकी को वापस लाता है, तो पुलिस हुआ वह, है ना, पुलिस क्रोकोडाइल बैक टू ट्री. मूर्ख जो मगरमच्छ रहता है वह ट्री तक वापस आता है. एंड मंकी क्लाइम बैक टू ट्री. और मंकी जो है वह कूद कर कहाँ पर? पेड़ पर जाकर बैठ जाता है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. पिक्चर दिख रही है ना आपको? यस. तो इस प्रकार से और इसकी और भी कहानियाँ आप अच्छे से फिर से रीड कीजिएगा इसकी, ठीक है ना. आपने ये कहानियाँ सुनी भी होंगी, एक बार फिर से इस कहानी को आप रीड कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.